हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मान। वेलकम टू मूवी शूवी। आज सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है और इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे मेरे मूवी शूवियंस जो दोस्त आ रहे हैं आप लोगों की, वो बता रही है, यार मेरी थ्योरी ये है, तुम्हारी थ्योरी क्या है, एक विलन रिटर्न में आप कौन विलन हो सकता है। देखो पहले ना इसको थोड़ा सा पार्क करते हैं। ये जो ट्रेलर है ना, ये काफ़ी अच्छे तरीके से काटा गया है और ये इस तरीके से काटा गया है कि आपकी जो एंजाइटी है ना, हु इज़ डन इट के जोन के अंदर चली जाए और आपको ये समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। और यही ट्रेलर की सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक किरदार, अर्जुन कपूर नहीं लग रहा है आपको, जॉन इब्राहिम नहीं लग रहा है, लेडीज़ जो दो हैं वो नहीं लग रही हैं, तारा सुतारिया ले लीजिए, चाहे दिशा पतानी ले लीजिए, वो मूवी के जो स्टोरी है उसमें ब्लेंडेड किरदार लग रहे हैं। सबसे पहली सक्सेस तो ये है इसकी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप स्टोरी को हु इज़ डन इट की जोन के अंदर लेके चले जाते हो तो आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी बन जाते हो। और आज हम चार थ्योरीज की यहाँ पर बात करेंगे। मैंने कुछ रिव्यूज़ भी देखे और सुने और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो वेबसाइट्स के लिए भी लिखते हैं या फिर उनके पिक हो जाते हैं या फिर वेबसाइट्स भी उनको कवर करती हैं, तो मैं उनकी बात से थोड़ा कम सहमत हूँ कि थ्रिलर्स का ज़माना चला गया है। आपको पता है कि किसने अभी अभी कमेंट मारा है कि थ्रिलर्स का ज़माना चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्रिलर का कोई ज़माना नहीं गया, थ्रिलर एक जॉनर है, ये ज़माना थोड़ा ना होता है कि चला गया। तो यहाँ पर जब आप एक ऐसे जोन के अंदर चले जाते हो, जब आप मूवी में कैरेक्टर्स के लिए सोचने लग जाते हो, वो विन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चार थ्योरीज निकल के आएंगी, चार में से चार कौन सी सही है मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ पांचवी छठी भी हो, वो आप बताना। देखो जो शुरुआत होती है वो रितेश के कैरेक्टर से होती है, जब आप ट्रेलर देखते हो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई है फर्स्ट मूवी से। फर्स्ट मूवी का कुछ तो लिंकेज है, तो लेट्स से रितेश जब वो एक किलिंग स्प्री में चला गया था, वो मारता ही जा रहा था लोगों को और उसने बोला कि 20 लोगों को मारा, और जबकि 20 लोग फर्स्ट मूवी में नहीं दिखाए थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी उसने मारा होगा जो इम्पैक्टेड होंगे और जो बदला लेंगे पार्ट टू के अंदर। तो जॉन अब्राहम का हो सकता है ऐसा कुछ हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड को रितेश देशमुख ने मार दिया हो और अब वो बदला लेने के लिए निकल पड़ा है और वो हर एक इंसान को मारना चाहता है, और अर्जुन कपूर का एक कैरेक्टर बीच में उसकी लाइफ में आ जाता है जो उसको स्टॉप करना चाहता है। एक तो थ्योरी ये होगी और ये थोड़ा सा ट्रेलर से अलाइंड फिलोसफी है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा है। दूसरा ऐसा होगा कि यार ये तो थोड़ा सिंपल हो गया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं इसको और अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को किसी तरीके से किलर बनाते हैं, क्योंकि वो एक डायलॉग तो वो भी मारता है कि तू इन सबको मारता रहेगा और मैं उठ खड़ा होऊंगा। तो उठ खड़ा होऊंगा किसके लिए, तेरे को मारने के लिए या कुछ किलिंग करने के लिए, वो थोड़ा सा अनक्लियर जोन के अंदर यहाँ पर रखा गया। फिर उसके बाद जो तीसरा जो मेरे को लगता है कि थ्योरी हो सकती है, वो एक ऐसी थ्योरी हो सकती है कि जॉन इब्राहिम को लग रहा है कि अर्जुन कपूर है जो किलर है, और जो अर्जुन कपूर है उसको लग रहा है कि जॉन इब्राहिम किलर है, लेकिन निकलता कोई और है और वो कौन निकलेगा वही सबसे बड़ा सस्पेंस होगा मूवी के अंदर। और वो जो भी कैरेक्टर होगा, वी डोंट नो विच वो कैरेक्टर कौन सा होता है, क्या हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, आई डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है फिर इवेंचुअली ये दोनों उसको पकड़ें या फिर अपना सर फाड़ दें, जो भी करें। ये एक तीसरी थ्योरी हो सकती है। चौथी थ्योरी ये हो सकती है कि जो लास्ट का जो लाफ्टर हमें दिखता है दो लेडीज़ के बीच के अंदर, तारा के और दिशा के बीच में जो हंसी होती है, वो इस तरीके की हंसी लेते हैं और उन्होंने भी मुखौटा पहना होता है जैसे वो खुद किलर्स हैं, तो वो किलर हैं या वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या उन्होंने ये सब कलेश करा, ये भी एक थ्योरी हो सकती है कि सबको निपटा दिया और ये मैडम्स निकल गई, क्योंकि जो आप इसकी बाई लाइन भी आती है वैलेंटाइन की जगह वैलेंटाइन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आता है, अगर आप बाई लाइन इसकी देखें तो वैलेंटाइन एक लेडी के लिए रेफर किया जाता है, तो यहाँ पर जो लेडीज़ हैं कहीं वो तो किलर नहीं है, वो भी एक हिंट है मेरे ख्याल से। सो आई डोंट नो हुज़ द किलर एंड दैट इज़ वॉट एक्साइट्स यू फॉर द ट्रेलर फॉर द मूवी, और इससे आपकी एक्साइटमेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप इसको अनलीश जिसे कहते हैं डिस्कवर करना चाहते हैं और पर्दा उठाना चाहते हैं, जो भी आप शब्द का यूज़ करना चाहते हो वो थिएटर में जाके आप करोगे। तो आपकी क्या थ्योरी है इन सबके अलावा ज़रूर बताना। मेरी तो ये चार थ्योरीज थी कि इनमें से शायद कुछ एक चीज़ होगी, आपको क्या लगता है ज़रा बताना। बाय बाय।